हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एम के एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2019 की आपके एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि कल आपकी एक लिंक एक्टिवेट कराई दी गई थी जिसमें ग्रुप डी का स्टेटस आप चेक कर सकते हो और उस पर से पता लगा सकते हो कि आपका फॉर्म सबमिट किया गया है या नहीं किया गया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनल एक्सेप्टेड किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन होता क्या है कि बहुत से लोगों का आपका फॉर्म एक्सेप्टेड कर लिया गया है प्रोविजनली, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ ही क्या है, आपके लाखों की तादाद में बोल सकते हैं क्योंकि आपके करोड़ों फॉर्म भरे गए थे। इसमें आपके 1 करोड़ से समथिंग अबव फॉर्म भर गए थे, तो आपके लाखों की तादाद में संख्या में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनका फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस में रिजेक्टेड बताया जा रहा है। तो ये रिजेक्टेड बताया जा रहा है वो आपके किन्हीं कारणों से बताया जा रहा है। नंबर एक, आपका कुछ इनवैलिड फोटोग्राफ की तरफ से। नंबर दो, आपका इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से। नंबर तीन, आपका जो फीस स्टेटस है, यानी कि फीस आपने फॉर्म सबमिट नहीं की, फीस सबमिट नहीं की, या फिर आपने कोई गलत एड्रेस डाल दिया, या गलत आपका क्या एक ही मैचिंग आपके एड्रेस आ रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स के, तो उसकी तरफ से ये रिजेक्टेड कर दिया गया है। लेकिन तादाद में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं वो आपके इनवैलिड फोटोग्राफ और इनवैलिड सिग्नेचर की वजह से किए गए हैं। बहुत ही कुछ कम ऐसे फॉर्म होंगे जो रिजेक्टेड होंगे अन्य कारणों की वजह से। फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म रिजेक्टेड किए गए हैं तो उनके लिए, उन बंदों के लिए बहुत बड़ी शॉक किंग एक न्यूज आई है, क्योंकि इतनी साल से वो तैयारी कर रहे थे और काफ़ी कोचिंग कर रहे थे, फिर उसका फॉर्म लास्ट टाइम पे आकर देखते थे रिजेक्टेड कर दिया गया और उनकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर गया। तो क्या फिर इन कैंडिडेट्स को दोबारा मौका मिलेगा आपका इस ग्रुप डी के अंदर एग्जाम देने का? तो सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से, शुरू से लेकर अंदर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सीधे तौर पर बता देता हूँ कि जिस कैंडिडेट्स का फोटो इनवैलिड और सिग्नेचर इनवैलिड की वजह से आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट किया गया है, तो उनके बड़े चांसेस हैं और उनको दोबारा मौका मिलेगा फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पिछली बार जो 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, उसके अंदर भी इस टाइप के केसेस मिले थे कि आपके कुछ फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे और फिर वापस उन्होंने मौका दिया था उसको फॉर्म को सही करने के लिए। तो इसकी लिंक वापस द्वारा उन्होंने प्रोवाइड करवाई गई थी। तो अभी हाल फिलहाल में तुम ये ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारे अभी तो लिंक ये 25 से 31 तारीख तक आपकी स्टेटस चेक करने के लिए लिंक के प्रोवाइड करवाई गई है, तो उस टाइम तक आप इसको चेक नहीं कर सकते हो और ना ही कोई लिंक प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन 31 मई के बाद आपको एक लिंक प्रोवाइड करवाएगी जिसके माध्यम से आप उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म सही कर सकते हो। केवल इनवैलिड फोटोग्राफ, इनवैलिड सिग्नेचर और जितने भी अपने एड्रेस से संबंधित है वो। लेकिन जिस कैंडिडेट्स की फीस जमा ही नहीं हुई उसका फॉर्म सही नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन ये सारा कुछ तभी होगा जब आप एक काम करोगे, तब ये ऐसे नहीं होगा कि तुम अपने हाथ पे हाथ धर बैठे और ऑटोमेटिक रेलवे अपनी एक लिंक प्रोवाइड करवा दी जाए और आपको फॉर्म को सही करवा दिया जाए। इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। तो आपको क्या करना है, तो सीधे तौर पर आपको मैं बता देता हूँ कि पिछली बार की अपेक्षा क्या हुआ था। जितनी भी एग्जाम हुई है सभी एग्जाम में सबसे बड़ा रोल रहा है स्टूडेंट्स का, जिसका बात सुनी गई है रेलवे के अंदर। तो मैं करना क्या है कि अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो तुम्हें करना क्या है, सीधी तौर पे ये जितने भी अपने आरआरबी हैं और जो माने हुए हैं, जैसे आरआरबी कोलकाता हो गया, मालदा हो गया आपका, ठीक है, तो पीयूष गोयल जी हो गए तो रेलवे के मिनिस्ट्री हैं, उनकी तरफ से जो ट्विटर हैंडल है उस पर आपको ट्वीट करना है और बताना है कि सर मैंने इस टाइप से फॉर्म फिलअप किया था और मेरा रिजेक्ट बता दिया गया फोटो और इस सिग्नेचर की वजह से, तो क्या मुझे दोबारा मौका मिलेगा। और मौका मिलने के लिए आप चांस मांगे कि मुझे दोबारा मौका दें जिससे कि मैं अपने फॉर्म को सही कर सकूं और फ्यूचर में अपनी एग्जाम दे सकूं जिससे कि मेरा कैरियर ख़त्म होने से बच जाए। तो ये आपको ट्वीट करना है और सभी को इसे, अब जब अपने फ्रेंड्स हैं जो जिस कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उन सभी को आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे कि वे अपनी साल खराब होने से बचा लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिन कैंडिडेट्स का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है फिर भी वो भी एक बार रिट्वीट कर लें और ट्वीट कर लें कि जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए, जो बंदे जिनका एग्जाम जो सिटी सेंटर है सॉरी मतलब जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया किसी कारण की वजह से। तो फ्रेंड्स, अब तुम्हें करना क्या है, कैसे काम करोगे, तुम्हें करना है कि सभी संबंधित जब भी साइट होती है उस पर एक कॉन्टैक्ट अस का एक लिंक होता है। आप उस कॉन्टैक्ट अस लिंक पर जाना है और उस कॉन्टैक्ट लिंक पर जाने के बाद आपको वहाँ पे एक ईमेल आईडी दिख जाएगी और क्या कहते हैं आपको
जो भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर वो भी मिल जाएंगे, और साथ साथ में आपको ट्विटर का जो है अकाउंट वो मिल जाएगा। इन तीनों में से चाहे तो आप मेल कर सकते हो अपने मोबाइल के माध्यम से, या किसी मेल के माध्यम से कर सकते हो, या उसे कॉल करके बोल सकते हो उनको, या ट्वीट करके कर सकते हो। लेकिन खास करके करना है आपको क्या है, जो पीयूष गोयल जी है, जो अपने रेल मंत्री हैं, उनके पास ट्वीट करना है। आपको कम से कम 4-5 तो ट्वीट करने ही करने हैं अपने इसी अकाउंट से, ठीक है। और सभी फ्रेंड्स को भी बोल देना, मेल भी करना है आपको, कॉल भी करनी है आपको, जिससे कि आपकी बात सुनी जा सके, और आपका फॉर्म द्वारा सही करने के लिए एक लिंक प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि माध्यम से आप अपना फॉर्म को सही कर सकें और एग्जाम में बैठ सकें। तो कैसे करना है, वो किस टाइप से कॉन्टैक्ट एक्सेस दिखेगा, तो मैं वो भी आपको एक नमूना के रूप में दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी सभी साइड चलना है, चाहे आप भोपाल पर जाओ, चाहे आपका मुंबई पर जाओ, चाहे जयपुर पर जाओ, चाहे आपका चंडीगढ़ पर जाओ, किसी भी साइड पर आप चले जाना, आपको ये इस टाइप से कॉन्टैक्ट अस दिखाई देगा ऊपर कोने पे। जैसा कि कॉन्टैक्ट अस दिखाई दे रहा है ना, ये इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे इस टाइप से डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हो सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई है, यानी कि एड्रेस आप दिया हुआ है, साथ में आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, और आपकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, और यहाँ पे अपना जो फॉलो अस ट्विटर, यहाँ पर ट्विटर का कुछ यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ ट्विटर की हैंडल भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से तुम्हें करना क्या है, आपकी जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है वो, और ट्विटर जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो यहाँ पे आपका इस टाइप से यहाँ ट्विटर दिखाई दे रहा है आपका, ट्विटर जो आपका ट्विटर है, इस पर आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अपने जो पीयूष गोयल जी उनको, और रेलवे के जितनी भी अपनी साइट है, उन सभी पे ट्विटर करना है, जिससे कि आप अपना फॉर्म बचा सकें। तो फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स को इस बारे में बता सकें, और ज़्यादा संभावना आपकी लिंक जरूर प्रोवाइड करवाई जाएगी 31 जुलाई है उसके